लाइन ऑफ ऑरिजॉन्टल लाइन ना, ठीक है, ये दूसरा परमानेंट एडजस्टमेंट है। इसको इसको लिखिए, इसको क्या आता है, कौन सी लाइन लिखी आप लोगों ने, लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी क्या, परपेंडिकुलर टू ऑरिजॉन्टल एक्सिस लिखा है, तो कोई भी लिख दो, ये वाली इसके पूरी चाहिए ना, लिखिए इस टेस्ट का, टेस्ट का नाम लिखिए एजुमिथ टेस्ट, मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में, एजुमिथ टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या है, एजुमिथ टेस्ट। तो एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा पूछा जाता है, लिखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या लिखा आपने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये होना चाहिए। इसके लिए टेस्ट क्या आता है, स्पायर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव आएगा स्पायर टेस्ट, स्पायर टेस्ट। अब क्या होता है स्पायर, स्पायर का मतलब बताता हूं, कोई नया वर्ड नहीं, बुर्ज खलीफा देखिए, बुर्ज खलीफा, तो जैसे बुर्ज खलीफा है ना, कुछ नहीं करता, जब टेस्ट कर रहे होते हैं, अच्छा इसको कैसे दूर कर सकते, कैसे पता चलेगा ये दिक्कत है हमारा, कैसे पता करेंगे, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है, तो हम एक बार इधर ट्रांसलेट करेंगे, और एक बार हम इधर से लेफ्ट फेस रीडिंग लेंगे, एक बार किससे लेंगे, ऐसे करके, और किससे लेंगे बता दा, राइट फेस रीडिंग लेंगे, अगर रीडिंग सेम आती ठीक है, नहीं तो हमारी क्या है, तो किसमें दिक्कत है, तो हमें स्पायर टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, स्पायर टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। स्पायर कुछ नहीं होता, स्पायर बेटा कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग या घर के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जब बिजली ना गिरे एक पॉइंट दिया होता है ऊपर नुकीला, उसी को बोलते हैं स्पायर, मतलब एक नुकीला पॉइंट। तो स्पायर देखो, अभी आपको वर्ल्ड में पता नहीं हजारों इमेज मिल जाएगी स्पायर की, स्पायर देखो, तो स्पायर पे टेस्ट क्या आता है, इसलिए बोलते हैं स्पायर टेस्ट। अब कैसे करते हो मैं छोड़ रहा हूँ इसके लिए, सॉरी, क्योंकि ऐसे तैयारी नहीं करो, ऐसी फीस कम है, हाँ तो लिखिए इसको, ठीक है, ये बोला था मैंने, रट लेना, बाकी मैंने सब समझाया, क्योंकि इतना ही फिर और लग जाएगा समझाने में टाइम। तो देखो स्पायर, देखो इधर स्पायर दिखा, अरे स्पायर दिख रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइप बिल्डिंग लगभग ऐसी बनती थी भाई साहब, तो इस उसी को बोलते हैं स्पायर, क्योंकि उसी पे टेस्ट किया जाता है, इसलिए बोला जाता है स्पायर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला परमानेंट एडजस्टमेंट, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये वाला पढ़ रहा, ये दिख रहा है, ये वाला ट्यूब, इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल। इसके लिए टेस्ट लिखिए, वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट, वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट, अभी रट लेना, कौन सा टेस्ट, स्पायर टेस्ट किसके लिए क्या था, स्पायर टेस्ट, हाँ स्पायर टेस्ट किसके लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर है, वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एडजस्टमेंट हो जाता है, ये हमारे परमानेंट एडजस्टमेंट है, किसके, थियोडोलाइट के, क्लियर है चीज भाई, क्लियर है, तो खत्म हो गया थियोडोलाइट, ठीक है, इतना ही काम था थियोडोलाइट, समझ आ गया भाई सबको। अब ये वाला टॉपिक मैंने कहा इसके, अच्छा एक एक टेस्ट को समझाने बैठ जाऊंगा ना, एक एक दिन और लगेगा, वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट, एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, ये वाला, इस वाले के लिए वाला टेस्ट, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब एक काम करो, अब जाओ गूगल में और डालिए ऑब्जेक्टिव, मेन है वो क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, इतना बकवास करने के बाद क्वेश्चन बनने चाहिए, अब डालो और लिखिए एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन थियोडोलाइट, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब डालिए, जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको कर डालो, आगे प्रैक्टिस खुद करो और यही करके बैठो, कोई दिक्कत, आज ही खत्म करो इसको थ्योरी लाइन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्या होगा 56 का आंसर? 56 क्या है? नहीं 55 भाई, 55 क्या है? द थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। डिस्टेंस भी होता है, डिस्टेंस भी नापता है, डिस्टेंस नापता है ना, तो डिस्टेंस भी नापता है, लेवल भी नापता है, सब नापता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल एक्सेस, हाँ वर्टिकल एक्सेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्विंगिंग, सब बता दिया। अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। वर्टिकल एक्सेस के अबाउट किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं इसको? स्विंगिंग। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, तो कर लो यार, इसमें क्या है, क्या है? कुछ नहीं। अब वो कह रहा है देखो 59, 60, 61, 62, अच्छा ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूंगा, एरर इन थियोडोलाइट, एरर इन थियोडोलाइट क्या क्या है बता दो। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी है? जो लाइन ऑफ साइट वगैरह सही नहीं है, ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर है। पैरलैक्स को हम रिमूव कर पाएंगे? दूसरा, पर्सनल एरर, सेंटरिंग ढंग से नहीं की, दिखा सही से नहीं जा रहा, रिफ्रैक्शन एंगल वगैरह, ये रिफ्रैक्शन एरर क्या है? नेचुरल एरर से, वो भी एरर सारा आ जाएगी आपकी। तो देख लो यार इसके ना, तो जितने बन रहे बनाओ, बाकी मुझे बता देना जो भी। ठीक है, तो 100% क्वेश्चन तब भी नहीं बनेंगे मैं कितना ही पढ़ा दूं, पर ठीक है 90% ही बन रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट सही है। 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं है। सीधा बनाना, मतलब चेक करने का काम आएगा कि वर्टिकल सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर आपका जो स्टाफ है उस वो एग्जैक्ट अगर काम बन जाए, इस पे बन जाए, इसका मतलब आपका जो स्टाफ वो वर्टिकल रखा हुआ है। अगर नहीं बन रहा इसके ऊपर तो अब आपको फील नहीं होगा। देखो अब इसको क्या ऐसा रखा हुआ है, मुझे दिख तो रहा है, मुझे दिख तो रहा ही है, लेकिन ये किस पे नहीं दिख रहा मुझे? ये मुझे किस पे नहीं दिख रहा? ये मुझे इस पे नहीं दिख रहा, इस वाले हेयर पे। तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा इधर हो जा, मैं बोलूंगा भाई तिरछा रखा हुआ है, ढंग से रख। तो क्या करूंगा मैं, ऐसे रखूंगा ऐसे। अगर ये कहां बन गया एकदम, अगर ये एकदम कहां बन गया, अगर ये एकदम मेरे इस पे बन गया ना, तो समझ जाना कि आपका स्टाफ वर्टिकली हेल्ड है। समझ आना, इसका काम पता चल गया। रायना बोली इसका काम होता है कि चेक करने के लिए क्या, कि स्टाफ अगर ये ना होता तो, ये ना होता तो आपको पता नहीं चला ऐसा ऐसा, तभी तो दिखता ना, टेढ़ा मेढ़ा देखता तो आपके, तो इसको ऐसा हो तो आपको सीधा बना देगा। मतलब इसको बोलना भाई सीधा कर, इधर से भी नहीं बन रहा तो सीधा, अब आ गया ठीक है ओके। इसका मतलब वर्टिकल क्या हो गया खड़ा, तो इसका काम समझ आ गया इस वाले। अब इस वाले का काम क्या, अब इस वाले का काम क्या है कि इस वाला काम, ये आता है लेवलिंग में काम, ये लेवलिंग दोनों आता है, ये भी लेवलिंग में काम आता है, ये भी लेवलिंग में काम आता है। इसका काम क्या है, हमने बोला था ना कि थ्रू लाइट हम लेवलिंग भी कर सकते हैं। अब आज समझ आएगा कि लेवलिंग कैसे कर सकते हैं। अब जब हम स्टाफ रखेंगे, तो हम स्टाफ रखेंगे तो स्टाफ पे मुझे एक रीडिंग पढ़नी होगी ना, रीडिंग ये आपने पढ़ा सर रीडिंग 2.3 मीटर है भाई, कहां पर 2.3 मीटर, तो ये बताएगा 2.3 मीटर जहां पर हमारा कौन सा हेयर कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर दिख रहा होगा ना स्टाफ में, वही होगी हमारी लेवल की रीडिंग। तो ये किस काम आता है, लेवल रीडिंग के लिए। समझ आ गया, सबका काम है, सबका काम है, समझ आ गया। तो ये लेवल रीडिंग के काम है। अब बचे भाई साहब ये दो जो आपको पहले से पता है, ये दो स्टाफ इंटरसेप्ट निकालने काम आता है। इसका मतलब ये तब यूज करेंगे हम जब आपको डिस्टेंस निकालना हो विदाउट चेन। मजा था, डिस्टेंस बराबर, अब कुछ मत पूछना, सब बता रखा, के एस प्लस सी, तो सी एडिटिव कॉन्स्टेंट है। अगर टैकोमीटर हुआ सेम होता है टैकोमीटर के अंदर भी, तो ये जीरो हो जाएगा। और एस, ये एस क्या आ जाएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट एस वन माइनस एस टू बताया था, तो ये निकालने ये आया था किसके काम, ये आता है ये वाले, ये आते किस काम, डिस्टेंस निकालने का। इसका मतलब आप लोग टैकोमीटर से, सॉरी थियोडोलाइट से क्या क्या निकाल सकते हो, बोले लेवल, लेवल
लेवल निकाल सकते हो, दूसरा दूसरा क्या निकाल सकते हो, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा तीसरा आप ये बता सकते हो दीवार, ये जो दीवार है ना, ये सीधी है कि नहीं है, आप इससे अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हो। जब स्टाफ का चेक कर सकते हो, दीवार का तो चेक कर सकते हो भाई साहब, अरे वहां स्टाफ है, यहाँ दीवार है तो कर सकते हो, अरे आया ना बोले तो आप इससे सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए बोला था मैंने, ये आपका ये हो गया मेरा पूरा क्या टेलीस्कोप, समझ आ गया। तो लिखो डायफ्राम। अच्छा डायफ्राम की पोजीशन कहाँ होती है, देखो ये दिख रहा है, यहाँ होगा डायफ्राम, यहाँ किसके बगल में होता है, आईपीएस के बगल में होता है, तो लिखिए इसको तो फटाफट लिखिए, तो डायफ्राम बनाइए, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसमें दिया है डायफ्राम है, तो डायफ्राम लिखा है 2-7, हाँ तो लिख लो, एक एक लाइन में खत्म करे इसको, है ना। तो लिखिए डायफ्राम कंसिस्ट, पहले लिखो डायफ्राम कंसिस्ट कितने हॉरिजॉन्टल एयर्स, 3, 3 हॉरिजॉन्टल एयर है, अरे आया ना बोल यार, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोलो, हॉरिजॉन्टल 3 देख लो, 3 है, 3 है इसमें, 3 होते हैं। नेक्स्ट, जिसमें ऊपर के जो 2 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये वाले और ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, स्टाडिया हेयर्स। तो कितने स्टाडिया हेयर हुए, 2, इनके बीच का जो गैप होता है, आज बता दो आप मुझे, सब हो रखा, बस आज थियोडाइट को मैं दिखा रहा हूँ तो फिर बता दिया मैं डिटेल में, तो क्या होता है, स्टाडिया इंटरवल होता है, लिखे स्टाडिया इंटरवल, स्टाडिया इंटरवल। यहाँ भी समझ नहीं आएगा सर, दुनिया नहीं समझा पाएगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वापिस अच्छे कॉलेज में क्या लो, एडमिशन लो, और कॉलेज देखने से पहले ये देखो कि वहाँ लैब टेक्नीशियन और फैकल्टी, ये मत देखो कॉलेज कैसा है, बिल्डिंग अच्छी है बेकार है, ये देखो कि वहाँ की जो फैकल्टी है उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, और पढ़ाई लिखाई नहीं भी होगी आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, पढ़ाई लिखाई तो बाबू सर आप भी कौन से पढ़े, बीटेक वाले तो आप भी, इसका मतलब एमटेक वाले से पढ़ना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी कितनी है आपके यहाँ, जिसको पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 5 साल 6 साल 8 साल हो गए, और वैसे ऐसे कॉलेज से जो नामी कॉलेज हो। अभी वो बताओ प्राइवेट कॉलेज में रिज्यूम देते हैं लोग, तो फर्जी तो लिखा होता है कि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का मतलब बड़े कॉलेज में जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी देंगे जब अगर 3 साल आपने पढ़ाया हो, तो आप लोग फिर जाओ और 6 महीने 4 महीने वेस्ट करो फिर से। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से कर लेना डिप्लोमा, सही बात नहीं गलत बोल रहा मैं, देखो तब तक 4-5 साल से पहले तो वैकेंसी आएगी नहीं, फिर जाना एडमिशन लेना किसके अंदर, देखो तमीज से पढ़ के आना, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो इसको, लिख दिया, चलिए अब नेक्स्ट, पहला इसको ये वर्टिकल हेयर, वर्टिकल क्रॉस हेयर किस काम आता है, लिखे वर्टिकल क्रॉस हेयर, ये किस काम आता है, ये आप लोगों का अलाइनमेंट चेक करने के काम आता है, किसका अलाइनमेंट, यहां पर स्टाफ बोल लो ये बिल्डिंग का भी कर देगा भाई साहब ये, ठीक है। ये आपके ग्राउंड में आपका मान लो फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, उसमें आप लोगों को पोस्ट बोलते हैं, तो गोल बोलते हैं, पोस्ट जहां पे गोल करते हो, अब टेक्निकल टर्म मुझे पता नहीं, गोल बोलते नहीं, गोल तो होता है जो हम मारते हैं, ये तो पोस्ट होता है शायद, गोल पोस्ट ना, हाँ तो पोस्ट तो बोलते हैं। तो पोस्ट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वर्टिकल है या वर्टिकल नहीं है भाई साहब। अब सच है कि गलत है, एक स्टोरी ऐसा मैंने सुनी कि जब क्या बोलते हैं ध्यानचंद जी जब फुटबॉल क्या बोल रहे थे हॉकी खेल रहे थे, तो उनके गोली नहीं उड़ते एक मैच में, एक उनके गोली नहीं उड़ते, तो उन्होंने रेफरी को बोला कि भाई साहब पोस्ट गलत है, फुटबॉल का क्या बोलते हैं हॉकी का जादूगर बोला जाता है, तो उनको उनके गोली नहीं उड़ते, मतलब सच है कि क्या है ये, इससे क्या बोलते हैं दावे से मैं भी नहीं बोल सकता, पर ऐसी स्टोरी हमें भी किसने सुनाई मुझे पता नहीं, किसने तो हमने भी सुनी है। तो कह रहे थे कि भाई साहब और हो भी सकता है इतने बड़े प्लेयर, तो उनको गोल मारे थे कॉर्नर मारे थे, कॉर्नर जा ही नहीं रहा, कॉर्नर होता ना उसमें, अब क्या बोलते हैं कॉलेज टाइम पे क्या बोलते हो होता है ना क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स मीट होते थे, तो अब क्या होता है कि फुटबॉल की टीम नहीं बन रही सिविल की, तो हमें वहाँ पर एक हमारे सीनियर थे तो उन्होंने बोला यार तू भी खेल ले, मैंने कहा मुझे कहाँ खेलना आता फुटबॉल, कह रहे कुछ नहीं जाएगी लात मार देना बस, और वो प्रियांश राजपूत है उनका नाम,
तो वो संतोष ट्रॉफी खेले हुए अभी कॉलेज का, उन्होंने संतोष ट्रॉफी खेला जो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया का, जैसे रणजी होता है ना तो डोमेस्टिक का सबसे बड़ा होता है। तो उसने उनका मैं अपना संभाल लूंगा, तो वह जहाँ मर्जी वहाँ लात मार देना। अब नियम में तो पता नहीं था, मैंने कहा चल ठीक है जहाँ बॉल दिखी मैं भी भाग जाऊंगा। तो बॉल दिखी मुझे, मैंने कहा तो मैं गोल कर ही दूंगा, दिखी गया था मैं गोल करूँ, सामने में फील हो रहा था अंदर से गोल होने वाला है। तब तक वो सीटी मार रहा है रेफरी कह रहा है भाई ऑफ साइड ऑफ साइड। मैंने कहा मैं कहूँ मैं तो लेग साइड हूँ। अब उसमें ऑफ साइड का मतलब होता है कि आप डिफेंडर से पहले आगे नहीं जा सकते, मतलब आप डिफेंडर से पहले, मतलब जैसे डिफेंडर ला रहा है बॉल तो आप उससे आगे नहीं जा सकते पहले, मतलब जो दूसरी टीम का डिफेंडर। मैंने कहा भाई कहाँ लेग साइड हूँ मैं तो। अब वो कह रहा तुम कोई, तब उसने कहा तू सब्स्टिट्यूट है बैठ जा। तो मैं बैठ गया। तो मेरा एक ही मैच खेला था मैंने कॉलेज टाइम पे, उस दिन पता चला नहीं कि किससे आगे नहीं जा सकते, डिफेंडर से आगे तुम नहीं जा सकते, उसके साथ ही जाना है आगे, या बॉल लेके तो जा सकते हो मतलब उससे पहले नहीं जा सकते हैं। तो भाई साहब उसने बोला कि वो सुनियो कहानी हमने कि भाई गोल पोस्ट सही नहीं है। तो बाद में चलता है पता कि हाँ गोल पोस्ट क्या नहीं होता, सही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, या तो गोल पोस्ट ऐसा होगा या ऐसा होगा, या जिस एंगल से वो मार रहे होंगे क्या ध्यानचंद नहीं होगा। अरे ध्यानचंद बहुत बड़े प्लेयर थे ना। अब वो क्या बोलते हैं वहाँ का, अभी कौन सा होता हो वहाँ पे बहुत बड़ा होता हो तानाशाह हिटलर, तो हिटलर बोलता है यार कि ध्यानचंद एक बात बता कि तुझे तू क्या कर रहा अपने देश के लिए, तू इतना बड़ा वो है प्लेयर है और तेरे देश ने तुझे सिपाही बनाया है, एक काम कर मेरे सेना में भर्ती हो मैं तुझे मेजर मेजर बना दूंगा। तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई साहब मेरे देश ने ठेका ले रखा मुझे आगे बढ़ाने का, मैंने ठेका ले रखा अपने देश को आगे बढ़ाने का। और हिटलर के सामने बोला उसने बोला मैं सिपाही ठीक हूँ अपने देश में, तो देश ने थोड़ी नहीं लिया ठेका मेरा, मैंने देश का ठेका लिया है क्या करने का आगे बढ़ाने। ये जवाब थे उनके, तभी तो उनको वो मिला क्या बोलते हैं भारत। तो लिखिए इसको फटाफट, क्या लिखा आप लोगों ने, लिखे इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये इसका काम जब लेवलिंग कर रहे होंगे ना आपको, तो स्टाफ रीडिंग आप इससे देखोगे ठीक है। तो लिखो ओरिजोनटल क्रॉस हेयर, ओरिजोनटल क्रॉस हेयर, इसका काम क्या ओरिजोनटल क्रॉस हेयर का, ओरिजोनटल क्रॉस हेयर का काम क्या है, ये आपको लेवलिंग के टाइम पर आपको स्टाफ रीडिंग, मतलब लेवलिंग के टाइम आएगा जब लेवल कर रहे होंगे, स्टाफ रीडिंग तो इनसे भी लेते हैं लेकिन डिस्टेंस के टाइम आ रहे होंगे, डिस्टेंस के टाइम आ रहे होंगे और ये लेवल के टाइम पर, मतलब जब आप बोलते हो कि देखो 3 मीटर रीडिंग आई, तो 3 मीटर तो आपके यहाँ पर ऐसे आ रही होगी ना, देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा आपको इसके अंदर ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, तो 3 मीटर मतलब ये वाली हो 3 मीटर जो इसके सामने होगी ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन लगा होगा ना, बताया था स्टाफ के बारे में पढ़ाया था, इसके अंदर ग्रेजुएशन लगा होगा, उसके सामने आपके ये लाइन आ रही होगी ठीक है, ये योग कितना मीटर 3 मीटर, तो आप इससे आर एल निकाल सकते हो, आर एल निकाल सकते हो, तो लेवलिंग के काम आएगा। चलिए ये फटाफट बताओ, ये तो एक आपकी स्टाफ रीडिंग एस ओ ने बोला था हमने इसको, एस ओ ने एक एस टू बोला था, तो ये किस काम आएगी, ये किस काम आएगी, ये जब आप इससे क्या निकालोगे डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, डिस्टेंस निकालोगे बोलिए कैसे निकालोगे डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो, के एस प्लस सी, K का फॉर्मूला बताना, F अपॉन I, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खुद में ये, F अपॉन I इंटू S, ये S, F इंटू I, F इंटू I, प्लस एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी, F प्लस डी, बोला ऐसे याद रखना है, ये तो रखना ही रखना है कि अगर सिंपल आ गया तो ठीक है, अगर एडिटिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछेगा F प्लस डी, समझा रखा सारा, इसकी पूछेगा तो F प्लस, और टैकोमीटर लिए कितना होता है, ये टैकोमीटर की वैल्यू 0 होती है, समझ आ गया था, सब बता रखा, तो लिख लो इसको फटाफट। तो भाई साहब पूरा थ्योरी लाइट खत्म कर दिया मैंने, अब लिखो सुन लो, अब लिखिए आप टेम्पररी एडजस्टमेंट पढ़ा दिया मैंने, क्या है टेम्पररी एडजस्टमेंट, पढ़ा तो दिया, टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या है, हाँ फिक्सिंग सेंटरिंग वाइंडिंग सारा बता दिया। अच्छा अब एग्जाम में आपसे पूछेगा हाउ टू रिमूव द पैरेलेक्स, पैरेलेक्स एरर नहीं पैरेलेक्स, पैरेलेक्स एरर अलग थी वाली, पैरेलेक्स को कैसे रिमूव करेंगे किससे, मैंने बता रखा आपको सिंपल सी बात है, पैरेलेक्स का मतलब होता है, एरर नहीं बोला, पैरेलेक्स का मतलब होता है कि अगर आपको इमेज धुंधली दिख रही हो, तो पहले आप लोगों को अगर आपको डायफाग्राम धुंधला दिखाओ क्या करेंगे, आप लोग आईपीएस से सही करेंगे, और अगर आपको क्या दिख रहा होगा तो आप इससे सही करेंगे, इस तरह से आप पैरेलेक्स, मतलब पैरेलेक्स का मतलब जब तक शार्प इमेज, शार्प का मतलब क्या है, जो आपको बिल्कुल एकदम ना दिखे, ऐसी इमेज जब तक नहीं दिखेगी तब तक आप बोलेंगे इसके अंदर क्या है पैरेलेक्स है। तो पैरेलेक्स को किससे, मतलब पैरेलेक्स एरर को, पैरेलेक्स को इन टेलीस्कोप धुंधला दिखाई देता है कैसे अलग रिमूव करता है, ऑब्जेक्टिव आएगा हाँ इससे और इससे,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो लिखे पैरेलेक्स, लिखो हाउ टू रिमूव पैरेलेक्स, एंड डालेंगे या रिमूविंग रिमूवल ऑफ किसका, उसमें दिया भी होगा किताब में सारा है, जो पढ़ा चुका हूं बस, अब एक हिंट दे दी, धुंधलेपन को कैसे दूर करेंगे, तो इससे करेंगे दोनों से, समझ आ गया? अरे क्लियर है, बताओ इसको कैसे करेंगे, बता दो, रखा इसको स्काई में, रखा स्काई में नहीं रखना, स्काई की तरफ रखना है, नहीं तो तुम समझ अभी बोलोगे सर स्काई में कैसे रख देंगे, तुम्हारा भरोसा भी नहीं है, कुछ अलग ही चीज समझ आते, तो जनरल हिंदी बोल रहा हूं मैं, तो आप लोग वही समझ जाते हो। अब इसको रखेंगे स्काई की तरफ, आगे क्या रखेंगे, इसको हम करेंगे फोकस वोकस, अंदर बाहर करेंगे ना लेंस को, और फिर क्या करेंगे, फिर अगर आपको डायफाग्राम दिख जाता है, आपने इसका पैरेलेक्स रिमूव कर दिया, किसका डायफाग्राम का पैरेलेक्स रिमूव कर दिया, तो अब डायफाग्राम आपको क्या नहीं दिखेगा, धुंधला नहीं दिखेगा, अब किसका किसका पैरेलेक्स भी खत्म करना आपको, ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई दे रहा होगा, उसका कहां से करेंगे, इससे कर रहे होंगे, तो ये होता है पैरेलेक्स को रिमूव करना है, आप कहां दिया हुआ देखो एक बार देख लो कहां पर उस बुक में, हाँ 205 ऑब्जेक्टिव बनते सारे पैरेलेक्स, हाँ तो क्या कह रहे हो पैरेलेक्स, इफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट सेम प्लेन विद द क्रॉस हेयर, एनी मूवमेंट ऑफ आई लाइक कॉज अपेरेंट मूवमेंट ऑफ, दिख रहा है ना सारा इस, तो पहले से हमने फोकसिंग कह रहा कि कैसे कर सकते हैं इसको, तो ऑब्जेक्टिव से कर सकते हैं, आई पीस डायफाग्राम और बॉडी एंड फोकसिंग डिवाइस, मतलब इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो, तो हम किससे कर लेंगे यार, हम इन दो स्क्रू से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे किसको, पैरेलेक्स को, समझ आ गया? तो भाई साहब ये खत्म होता हमारा कौन, थ्योरलाइट, बस अब थ्योरलाइट का लास्ट टॉपिक बचाओ मेरा, अब आप सोच रहे होंगे कि तीन बार तो बोल दिया खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब हो गया आधा 90% थ्योरलाइट खत्म हो गया मेरा, ठीक है, अब लिखिए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योरलाइट, ये बचा हुआ लास्ट टॉपिक मेरा, और इस टॉपिक को मैं बहुत लंबा नहीं खींच सकता क्योंकि किसी काम का नहीं, बुक में सारा दिया हो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अब अभी तक मैंने रटने के लिए बोला कुछ, अब बोलूंगा रटने के लिए, क्योंकि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें चीजें नहीं आएंगी, क्लियर है, चलिए, और आधी चीज तो आपको पता भी है, आधी चीज तो आपको पता भी, अब परमानेंट एडजस्टमेंट, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट टेम्पररी, टेम्पररी पढ़ाना है क्या, पढ़ा रखा पहले, इससे पहले पढ़ाया था कि ये वगैरह वगैरह जो बार बार करना पड़ता है आपको, उसको टेम्पररी बोलते हैं, तो लिखे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थ्योरलाइट, तो परमानेंट एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ, लास्ट 10-15 मिनट का टॉपिक, ठीक है, उसके बाद सो जाना घर पे, जमाई ले रहे हैं सब, मतलब अभी भी आप लोग इतनी सुस्ती आ रही है यार, और तो फिर जून जुलाई में क्या होगा, वैसे नहीं आएगा खाना खाने में, मर जाता आदमी वैसे उसके बाद, और क्या दिन में तो खाना खाओ तो आदमी मरा होता है, क्या पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, अगर नहीं हुआ तो मान लो एक बात है, फिर पढ़ोगे ही नहीं, चलो अब ध्यान से सुनना, चलो भाई अब परमानेंट एडजस्टमेंट, पहला यहां सुन लो, फर्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट जो मैं बता चुका हूं सारा, पहला परमानेंट एडजस्टमेंट ये है कि आप लोगों का फर्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट ये है, आप लोगों की लाइन ऑफ बबल ट्यूब और एज्यूमिथ लाइन, दूसरा नाम क्या है, वर्टिकल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहिए अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके परमानेंट एडजस्टमेंट में दिक्कत है, तो लिखिए पहला परमानेंट एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, फर्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट उसमें बुक में दिया है, पहले मैं बता दूंगा, लिख लो पहला, चलो दिया है तो ऐसे लिख देना 385, तो 385 खोल लो, वहीं से राइटिंग कर लो पूरी 385, दिया है? तो लिखे फर्स्ट, फर्स्ट लिखे, फर्स्ट फटाफट लिखो, फर्स्ट लिखे, हाँ चलो भाई फर्स्ट लिखो, क्या परमानेंट एडजस्टमेंट, फर्स्ट लिखे पहला परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, कि लाइन ऑफ बबल ट्यूब, और ऑब्वियसली बात है लाइन ऑफ बबल ट्यूब, जब लाइन, जब बबल ट्यूब का हो सेंटर पे हो, तो लिखे लाइन ऑफ बबल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू किसके, हाँ किसके, एजुमिथ, या फिर दूसरा नाम क्या उसका, हाँ वर्टिकल एक्सिस या फिर एजुमिथ, एक ही बात है, अरे आया ना बोले यार, बड़ा सारा पढ़ा दिया ना,
कितने बार बोलूं यहां पर ऐसे दिखा के, मेरा खुद हाथ थक गया ऐसे में दिखा दिखा के आपको। अब आप बताओ क्या बोलता है आपका, हो गया? अच्छा, अब अगर ये नहीं है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं है? आपको अब बताओ, आप बताओगे मुझे, मुझे कैसे पता चलोगे परमानेंट एडजस्टमेंट में दिक्कत है इस परमानेंट एडजस्टमेंट में? अभी तो बताया था यार, क्या बताया था? हाँ, कि पहले हम क्या करेंगे, पहले दो स्क्रू के पैरेलल लाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे लेवल में, फिर क्या करेंगे, फिर तीसरे के लाएंगे, बताया था? उसके बाद एक बार फिर चेक करेंगे, उसके बाद कितने डिग्री पर घुमाएंगे इसको, 180 डिग्री पर। अब अगर दिक्कत आ गई, इसका मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट में ही दिक्कत है। इसका अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि फ्लोर लाइट को फेंक देते हैं, बस थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ जाती है। अच्छा, अगर ये, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर, सुन लो, अगर बबल ट्यूब कभी भी सेंटर में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एंगल नाप रहे होंगे ना, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल नाप रहे होंगे तो कभी भी हॉरिजॉन्टल एंगल नप ही नहीं रहे होंगे, वो वर्टिकल प्लेन में नप रहे होंगे। नहीं आया ना समझ भाई? ये लेवल हमेशा लेवल कब रहेगा? ये बबल ट्यूब किधर भी घुमा लो, 180 कहीं भी घुमा लो, सेंटर पे रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की लेवल ट्यूब कभी सेंटर पे नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हो गया कि दिक्कत है। अब इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है या हमारी दिक्कत है? इंस्ट्रूमेंट हमसे, हमने कर लिया जितना मर्जी, नहीं हो रहा। अब आप मुझे इसमें सुन लो, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है ही नहीं ना, इसका मतलब ये ऐसा है ना, दिक्कत ही इसमें भाई। तो इसके ये तो सेंटर आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब किसमें दिक्कत है? इस चक्के में ही दिक्कत है, समझ आ गया? इसका मतलब जो एंगल नप रहे होंगे, मुझे नापना था सीधा वाला, ध्यान से, मुझे नापना था सीधा वाला एंगल, नप कौन सा जाएगा हमेशा वर्टिकल, मतलब कभी भी कौन सा एंगल नपेगा ही नहीं, वो हॉरिजॉन्टल एंगल में कभी नपेगा ही नहीं। अब बस लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ, देखो आप गेट वेट की तैयारी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ कि होगा क्या। नापना था मुझे, ध्यान से, नापना था मुझे ये हॉरिजॉन्टल एंगल ए बी सी, ए सी बी नापना था, मतलब ये नापना था ये, और ये वाला एंगल नापना था हॉरिजॉन्टल एंगल। नप कौन से आएंगे? नप जाएंगे बेटा वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल में होंगे तो नप आपके ये जाएंगे ये और ये, ऐसे नपेगा। तो नापना था थीटा वन, और सॉरी 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 ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नापना था कौन सा? थीटा वन। नप जाएगा कौन सा? तो देखो नापना ये था हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल नापना था, लेकिन नप कौन सा आएगा? अरे नापना था बेटा सीधा वाला, नप जाएगा ये वाला, कोई कभी होगा ही नहीं है, समझ आ गया? तो नप जाएगा वर्टिकल एंगल। तो ये आपका जो एंगल नपेगा वो कौन सा नपेगा? वो ऐसे वाले नपेंगे, ये और ये वाले, ना कि ये और ये वाले, समझ आ गया? अरे कौन सा एंगल नप जाएंगे यार, समझ आ गया? तो वर्टिकल एंगल, तो ये एरर आ जाएगी ना हमारे किस में, तो इसलिए करना पड़ता है सारी चीज। तो आप बताओ नापना था कौन सा एंगल, फिर बताओ नापना था ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल, कौन सा नाप रहा? थीटा वन। नप कौन सा आएगा? हाँ वर्टिकल मतलब ऊपर वाला। अब यहाँ इसके ऊपर कैसे दिखाऊंगा, इधर आ सकते लाइन, मार्कर से लिखा, मैंने लिखा तो यहाँ यही लिखा दूंगा ना, यहीं पर दिखेगा ये, मुझे पता आपका दिमाग किधर चल रहा है ना। अबे भाई इसके ऊपर मतलब ना ये ऐसे हो, नहीं आया ना समझ? अरे ना अपना था ये वाला, ये और ये, नप जाएगा ये और ये, समझ आ गया? तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। चलो अब ये वाला एंगल नप जाएगा, ये वाला एंगल, ये निकल जाएगा आपका, मान लो अल्फा, ये अल्फा एंगल नप जाएगा। अभी एरर को खत्म कैसे करेंगे? एरर तो है तो इंस्ट्रूमेंट को फेंक दूं, तो क्या करो, या तो कंपनी को वापस भेजो कि भाई दिक्कत है सही करके दो इसको, तो सही करके देगी आपके। और अगर आप चाहते हो काम चलाना, अभी अभी वापस भेजने का टाइम नहीं, आगे सर्वे करके देना हमें, फिर क्या करेंगे? फिर आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। अब आप पहले क्या करोगे, पहले आप रीडिंग, पहले आप हॉरिजॉन्टल एंगल किससे नापोगे, मतलब पहले आप एंगल किससे नापोगे, फेस लेफ्ट से? फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्विंग। फिर इसको क्या करो, प्लंजिंग करोगे, या प्लंजिंग या फिर ट्रांजिट करोगे, अब किससे रीडिंग लोगे? अब यही एंगल आप लोग वापस नापोगे, यही एंगल आप वापस नापोगे। अगर तो बराबर आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बराबर? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें क्या है, एरर है। इसका मतलब या नहीं, मतलब कहने का मतलब है आपको तो पता चल गया ना ये सेंटर पे नहीं है, अरे आपको पता लेवल तो है नहीं। अब इसको मुझे हॉरिजॉन्टल, मुझे तो एंगल कौन सा नापना ही है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको स्विंग कराएंगे किधर की तरफ, राइट के, पहले लेफ्ट फिर राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस बार जो एंगल नापेगा वो कौन सा नापेगा,
इस बार जो एंगल नपेगा कौन सा, इधर को करूंगा तो नीचे वाला नप जाएगा, अब समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं कि ए और जे बनो, गेट वेट के चक्कर मत पड़ो, फालतू की चीजें। ठीक, अगर अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अब इस बार क्या होगा, नापना तो मुझे यही था, ये वाला ए बी और कौन सा ये सी, इस बार नप कौन सा जाएगा, ये और कौन सा, ये वाला नप जाएगा। तो नापना था कितना, नापना कितना था, नापना थीटा था, इस बार नप कौन सा जाएगा, बीटा, इस बार बीटा नप जाएगा। अब मुझे निकालना कौन सा एंगल है, मुझे तो एक्चुअल एंगल थीटा ही निकालना, तो इस बार डबल डबल रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको, दो बार करना पड़ेगा ऐसी गलत, अगर आप लोगों ने, अगर आपका कौन सही नहीं है इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका लाइन ऑफ एजुमिथ किसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब आपको थीटा कैसे निकलेगा बोले, थीटा क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ए में जे में तो नहीं आएगा, आएगा तो मुझे पता नहीं, तो सर्वे से कुछ भी आ सकता है, थीटा कैसे निकलेगा। अब आप बताओ, अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अल्फा बढ़ा या बीटा बढ़ा, अल्फा बढ़ाया बीटा बढ़ाया, आपस में दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर तो होंगे, क्यों, जितना मैंने इसको इधर रीडिंग इतनी ली इधर से ली आई। अब मुझे आप बताइए अल्फा बढ़ाया या थीटा वन बढ़ाया, तो मान लो यहां पर अल्फा वन छोटा है तो इसका मतलब यहां बीटा वन बड़ा होगा किससे, थीटा से, अगर यहां बड़ा बोल रहे हो तो यहां छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि अल्फा उतना ही बड़ा है थीटा से जितना बीटा छोटा है थीटा से, बोल सकते हैं। अब कुछ भी समझ नहीं आए, अब कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या दिक्कत है। तो अब आप बताओ इसका मतलब क्या है, थीटा कितना होगा, थीटा सिंपल एवरेज होगा, कितना बीट, कितना अल्फा प्लस, अल्फा प्लस, अल्फा प्लस बीटा का औसत ही थीटा निकल जाएगा एग्जैक्ट, समझ आ गया, तो हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब नहीं फेंक देना है इसको, इतना आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं। तो बस आपको यही पूछेगा, चलिए बता परमानेंट एडजस्टमेंट कौन से कौन नहीं, कैसे पता चलेगा, समझ आ गया, तो लिखो पहला फर्स्ट, वैसे बुक में दिया भी होगा आपको है? अब नहीं भी समझ आएगा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सर पकड़ लोगे पीछे कि क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, आपके पेपर की मतलब की चीज है नहीं, वो आओगे तो आपको ध्यान आ जाएगा वैसे भी। तो कौन से पेज में बोला आप लोगों ने, 385, तो देखो 385 में है, 385, तो 385 दिख रहा है, तो क्या कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा जैसा मैं बताया, तो परमानेंट एडजस्टमेंट है, हाँ भाई है। बस अब आपसे ही और जेई में क्या पूछेगा, सुन लो, अच्छा इस टेस्ट को, रुक जाओ, इस टेस्ट को बोलते हैं, चलो पहले लिख लो ये चीज, ये क्या होनी चाहिए एक दूसरे के, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं है परपेंडिकुलर, कैसे पता आपको, 180 डिग्री पर घुमाने के बाद भी क्या नहीं आया, सेंटर पे नहीं आ रहा, दिक्कत ही किसमें, परमानेंट एडजस्टमेंट में, उस टाइम जो एंगल नपेंगे वो मैं आपको एक जानकारी दे दी, एंगल नपेंगे वो किस पे, वो यूं कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, स्क्रू यही है, तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई इनकी, चलो लिखो इसको फटाफट, क्या लिखा आप लोगों ने, लिखे फर्स्ट परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, अब बताओ इसका, लिखो लाइन ऑफ बबल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू, हाँ लाइन ऑफ एजुमिथ, तो लिखे कैसे करते हो पता आप लोगों को, इस टेस्ट को, चलो लिखो लिखो फटाफट, ठीक है भाई, तो इस टेस्ट को जो हमने टेस्ट किया है कि नहीं है, इसको बोलते हैं प्लेट, कौन सा टेस्ट, प्लेट लेवल टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव आएगा, सुन लो, इस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, जो हमने जब नहीं आया 180 डिग्री पे घुमाने के बाद भी नहीं आया, इसी को बोलते हैं प्लेट लेवल टेस्ट। तो किससे चेक करते हम ये कि है कि नहीं है, अरे परमानेंट एडजस्टमेंट किससे चेक करते हैं कि परमानेंट एडजस्टमेंट होना चाहिए, है कि नहीं है, प्लेट क्या है, प्लेट लेवल टेस्ट दिखाऊंगा नहीं, बता दिया बस, प्लेट लेवल टेस्ट क्या है, पहले घुमाओ इसको दो स्क्रू को, बताया था, फिर तीसरे वाले को, फिर 180 पे घुमाओ नहीं आता, इसी टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, प्लेट लेवल टेस्ट बोलते हैं। तो सुन लो, ये किससे चेक किया जाता है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, किससे चेक किया जाता है कि हमारी लाइन ऑफ बबल ट्यूब परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस के या नहीं। टेस्ट का नाम क्या है? प्लेट लेवल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव आएगा। समझ आ गया? दिया है उसमें कुछ? अब इतना मैं लिखवा नहीं सकता भाई, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखो तो मैं लिखवा नहीं सकता। देखो इधर है लिखा सब होगा, कौन सा पेज है एक बार मार लो नजर, लिखा है मार लो फटाफट नजर मार लो। कहां पर है देखो, 86 पेज नंबर पे, तो एक बार चेक कर लो यार। 386 क्या, कहां है 386? हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल लिखा है। अब डिजायर रिलेशन क्या चाहिए हमें, हम चाहते दोनों आपस में परपेंडिकुलर, लिखा है नहीं है? मैंने आपको बता रखा 180 वोल्ट, सब बता रखा ना बेटा, सब तो बता रखा यार। उसके बाद क्या करें, अगर तब भी सेंटर नहीं होता क्या करेंगे हम इसमें? हाँ, इसका मतलब किसमें दिक्कत है? परमानेंट एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने पढ़ा रखा सारा, ठीक है। इस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं? प्लेट लेवल टेस्ट। क्लियर है? अब इतना लिखवाएंगे लिखाएंगे नहीं, समझ आ गया? तो लिखिए इट इज चेक्ड बाई, किसके द्वारा? इट इज चेक्ड बाई है कि नहीं है, किसके द्वारा चेक किया जाता है? प्लेट लेवल टेस्ट। मैंने बता दिया सारा, कहानी लिखनी हो लिख लेना, ये चीज क्लियर है। दूसरा टेस्ट जो कि आपको पहले से पता है, दूसरा टेस्ट ये क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसके पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए? ट्रायंगुलर एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ आ गया? दूसरा परमानेंट एडजस्टमेंट ही है, तो लिखिए दूसरा परमानेंट एडजस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी पट, क्या लिखा आपने? परपेंडिकुलर टू, हाँ, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर टू क्या?